Operation is successful and your son is all right. Thank you, sir. तुम मेरे साथ आओ. ऑपरेशन की पूरी फीस ले ली? जी हाँ सर, पूरे 30,000 ले लिए. गुड सर, वो ब्रेन ट्यूमर वाला जो पेशेंट है उसके फादर की रिक्वेस्ट है कि ऑपरेशन की फीस कुछ कम कर दी जाए, अपनी गरीबी का वास्ता दे रहा है. उससे कहो कि हम गरीबी का नहीं बीमारी का इलाज करते हैं, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो किसी सस्ते हॉस्पिटल में चला जाए. ओके सर. सर वो लखनऊ से उस पेशेंट का टेलीग्राम आया था, वो पूरे 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है. वो बाद में बात करेंगे. तुमने कल की पार्टी के लिए वीआईपी को टेलीफोन कर दिया? जी हाँ सर. मंत्री जी को? खैर मंत्री जी को मैं फोन कर दूंगा, तुम जाओ. हेलो डॉक्टर कुमार. ओ मंत्री जी आ गए, दीजिए उन्हें. हेलो डॉक्टर कुमार. भाई जोशी, मैंने तुम्हें इसलिए टेलीफोन किया कि आज कॉन्वोकेशन में मेरे बेटे को एमबीबीएस की डिग्री मिल गई और गोल्ड मेडल भी मिला. वेरी गुड. हाँ, गोल्ड मेडल इसलिए कि एमबीबीएस में फर्स्ट आया है और सर्जरी में रिकॉर्ड नंबर लिए हैं, 98%. ये तो बड़ी खुशी की बात है. हाँ खुशी की बात है, इसी खुशी में मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम्हें भी आना है. कुमार वो पार्टी में विस्की का इंतजाम सर नोट करूं? अरे भाई तुम्हारे लिए विस्की का इंतजाम हो जाएगा. ऑरेंज में डाल के? हाँ मालूम है मुझे, हमेशा की तरह ऑरेंज में मिला के दे दूंगा. तुम बाज नहीं होगे. हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा, बिल्कुल. ओके बाय बाय. हाँ पिए नोट करो, शाम को कुमार साहब की पार्टी में चलेंगे. Hi there. Hi, hey, how are Fine, you? Thank you. Are Anand? Jeet, it's all right. It's all right. Dr. Sen Gupta, here Hello. Your student, gold medalist. He's a brilliant doctor. Aapka shukriya, doctor. Isne aapke hospital se internship kiya hai. Dr. Kumar, ab Anand ke baare mein kya irada hai aapka? Mera irada hai ki iske liye ek aalishan hospital banao. Plot ke liye maine sarkar ko arzi de di hai. Plot ki arzi pass ho jayegi. PA, note karo. Thank you. और प्लॉट मिलते ही मैं हॉस्पिटल के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट इंपोर्ट करूंगा. अरे इंपोर्ट लाइसेंस भी मिल जाएगा. ये भी नोट करो. लेकिन एक बात बताओ कुमार, हॉस्पिटल बनने और इक्विपमेंट आने में बहुत देर लग जाएगी, तब तक आनंद क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लिनिक में काम करेगा? जरूर हमारे साथ काम करेगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं इसे डॉक्टर रहमान के पास भेज रहा हूँ. याद है डॉक्टर रहमान अपने साथ पढ़ता था? हाँ हाँ याद आया, वो पगला रहमान. वो पगला, सुना उसने अस्थमा के लिए एक देसी इलाज याद किया है. मैं आनंद को भेज रहा हूँ उसका फॉर्मूला खरीदने के लिए. अच्छा, फॉर्मूला खरीद कर दवाई मैन्युफैक्चर करोगे और खूब माल कमाओगे. भाई वाह, नोट करो. नहीं नहीं रहने दो. मेडिसिन तो मेरा बिजनेस है. लेकिन कुमार, रहमान तो बड़ा ब्रिलियंट डॉक्टर था और उसने अमेरिका और इंग्लैंड से काफी डिग्री हासिल की, आजकल वो है कहाँ? अरे दूर कहीं छोटे से गाँव में प्रैक्टिस कर रहा है, अस्तबल जैसा अस्पताल खोल रखा है और गरीबों की सेवा करते करते खुद गरीब हो गया है. पगला है. आखिर तू अपने आप को क्या समझती है? क्या समझती है तू अपने आप को? सारी जवानी तूने अपनी मेरी उंगलियों के इशारे पे गुजारी है और अब मेरे बुढ़ापे में तू अकड़ रही है, मुझे तंग कर रही है, सता रही है. तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी तू. अब मैं जरा सारा अंदर मंजर ठीक कर दूंगा. राजा बच्ची, राजा देख क्या करता मैं तेरे साथ. आज डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में है, खैरियत तो है ना? अरे खैरियत और गुस्सा कभी एक साथ हुए भैया? 20 गांव का दुख दर्द मसले और एक बेचारे डॉक्टर रहमान साहब, अब तो उनकी सेहत भी गिरती जा रही है, दिल के मरीज है ना. एक महीना हो गया इश्तेहार में अखबार दिए हुए, अखबार में इश्तेहार दिए हुए कि एक नए डॉक्टर की जरूरत है, मगर ताजुब है किसी डॉक्टर का पोस्ट कार्ड तक भी आया हो. शहर का आराम छोड़कर कौन आएगा इस गांव में भैया? मैं जानता हूं, फिर भी हर रोज सुबह उठकर यही कहते हैं, रामदयाल देख लेना, एक ना एक दिन नया डॉक्टर इस गांव में जरूर आएगा जिसके सीने में हम जैसा दिल होगा. मिस्त्री साहब, मुझे डॉक्टर रहमान से मिलना है, कहां मिलेंगे वो? डॉक्टर रहमान से मिलना है? ठीक है, मैं हूं डॉक्टर रहमान. माफी चाहता हूं डॉक्टर साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. सर आप ये, अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में चाकू या छुरी नहीं थी, नहीं तो आप मुझे कसाई कहते. इससे पहले कि मुझसे कोई हिमाकत हो जाए, आपकी तारीफ? जी मैं शहर से आया हूं, मुझे डॉक्टर आनंद कहते हैं.
डॉक्टर आनंद शहर से आए हैं। समझ गया शहर से डॉक्टर आनंद आए हैं। रामदयाल शहर से डॉक्टर आनंद आए हैं। चौधरी साहब, मौलवी साहब, पंडित जी, अरे डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, जल्दी से आइए। सात दिन का इंतजार, वो डॉक्टर साहब आ गए। चौधरी साहब देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर आनंद आए हैं शहर से। जीते रहो बेटा, जीते रहो, अल्लाह हमेशा तुम्हें सुखी रखे। बोले बोले जी आया तू, साडा डॉक्टर सोना है, घबरू जवानी है। डॉक्टर साहब आप जाना नहीं, मैं अभी अभी आपके लिए रसगुल्ले और गरम गरम जलेबी लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब हम आपको सर आंखों पे रखें, आपको नहीं मालूम आपने आके डॉक्टर साहब की कितनी परेशानियां दूर कर दी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। डॉक्टर साहब आप लोगों को गलत फहमी हो गई है, मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ। कितने शरीफ आदमी है, हमारे लिए शहर से गाँव आए और कहते हैं मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ। चमुरे डॉक्टर आनंद के लिए सामने वाले घर में रहने का इंतजाम करो, जाओ ले जाओ। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग डॉक्टर साहब? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए तो सही। देखिए मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग मुझे समझ रहे हैं, मैं वो हूँ जो आप लोग मुझे नहीं समझ रहे। रामदयाल डॉक्टर आनंद का सामान ले जाओ। जी डॉक्टर जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। ओ गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार, लेट मी प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर साहब मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं मैं राउंड्स पे जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, हाँ रास्ते में बात कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब लेट मी। ओ थैंक यू। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? डॉक्टर मैं कह रहा था डॉक्टर साहब मैं मर गया, इतनी कड़वी दवाई मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। अच्छा तुम एक काम करो, दवा लेने से पहले दो रसगुल्ले खा लो और दवा लेने के बाद दो जलेबियां खा लो, ठीक है? डॉक्टर साहब महान है, हम महान है। अरे कहाँ जा रहे हो पापी पाखंडी, तुम्हें कई बार कहा है कि तुम्हें शुगर है, डायबिटीज है, शक्कर जहर है तेरे लिए, मानता नहीं? अभी समझाता हूँ तुझे। रामदयाल डॉक्टर साहब इन्हें आप डिस्पेंसरी की सबसे कड़वी दवा दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब मैं यही दवाई पी लूंगा, जलेबी खाएगा, यही दवाई पी लूंगा डॉक्टर साहब। तो बोलो क्या कह रहे थे? नहीं। अरे शांति भाई, ओ शांति भाई। जी डॉक्टर साहब। अरे जरा कनस्तर ले अपना अंदर से, ये तेरा कूड़ा गिरा हुआ है गली में, जल्दी कर। गिरा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने खुद फेंका। खुद फेंका? अलग क्यों? मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ मुझे नहीं चाहिए। तो फिर हमें भी नहीं चाहिए। मैंने इस गांव को बीमारी से बचाने के लिए गांव के बाहर एक खड्डा खुदवाया है कूड़ा डालने के लिए। अगर तुझसे नहीं जाया जाता तो मुझसे बोल, मैं कनस्ता भरकर अपने सर पर रखकर खुद ले जाऊंगा। अच्छा गलती हो गई डॉक्टर साहब, मैं उठा लेती हूँ। गलती हो गई? क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? मैं कह चुन्नू मुन्नू बुन्नू की माँ लाती हूँ जी। अरे मक्खन लाल जी, जी क्या हो रहा है? जरा हल्का सा नाश्ता हो रहा है। हल्का सा नाश्ता हो रहा है? ये अंडा पूरी हलवा हल्का सा नाश्ता। गंगा जी तेरे कितने बच्चे हैं? गंगा चुन्नू मुन्नू पुन्नू तीन डॉक्टर साहब। तीन जी? तो ठीक है, जल्दी से एक अनाथ आश्रम का इंतजाम कर ले। हाय राम, ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन आवाज आएगी बूम और इसका पेट फट जाएगा। मैं इसे कहता हूँ कि वजन कम करे और ये खाता है अंडा पूरी हलवा, नामा खोल कहेंगे। मैं बहुत मना करती हूँ, ये मानते नहीं। नहीं मानता ना? नहीं। ठीक है मर जाने दे, और जिससे मर जाएगा ना गांव के बाहर लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लगाएंगे, एक टांग तू पकड़ना एक टांग मैं पकड़ूंगा, घसीट के ले जाएंगे और जला देंगे। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, अब कभी नहीं खाऊंगा। माफ कर दो मत खाने देना। अब देखिए लोग खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए और ये कमबख्त जिद्दा है खाना खाने के लिए, इडियट। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? डॉक्टर साहब मैं ये डॉक्टर साहब शंकर की मां बहुत बीमार है, उसकी सांसें रुक रही हैं, जल्दी कीजिए आइए आइए। तो तुम क्या कहना चाहते थे? मैं क्या कहना चाहता था? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं सर, मैं
अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। चलता हूँ सर। लड़का तो अच्छा है लेकिन बोलता कम है। डॉक्टर साहब, आप गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। मैं इतना नादान या बेवकूफ भी नहीं जितना नजर आता हूं। आप समझते हैं मैं आपके इस फटीचर से क्लिनिक में काम करने आया हूं। मैं फेमस डॉक्टर कुमार का बेटा हूं। डैडी ने मुझे अस्थमे के फॉर्मूले के लिए भेजा था। अब खत लिखकर डैडी को खुद बता दीजिएगा कितने में बेचना चाहते हैं आप वो फॉर्मूला। मैं जा रहा हूं। धन्यवाद आनंद। क्या हुआ डॉक्टर साहब? गोली गोली कोर्ट में। ये दिल की बीमारी कब से है आपको? कई सालों से। लेकिन अब ये लगता है कि ये साथ छोड़ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे घबराओ नहीं, मैं इतने जल्दी नहीं मरने का। फुर्सत किसे है मरने की? जी ये हाँ, अगर मैं मर गया तो इन गांव वालों का क्या होगा? आप भी खूब हैं डॉक्टर साहब, इस हालत में भी गांव वालों के बारे में सोच रहे हैं। क्यों ना सोचूं? बच्चे हैं मेरे, औलाद है मेरी। मैं इन्हें बहुत डांटता हूं, बहुत बेइज्जत करता हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए डॉक्टर साहब। मैं देख रहा हूं कि आप 16-16 घंटे काम करते हैं, इस तरह तो अब नहीं करूंगा बेटे। तुम आ गए हो ना, तुम काम करोगे, मैं आराम करूंगा। तुम नहीं जानते हो आनंद, तुम्हारे आने से मुझे कितना सुकून मिला है। इन गांव वालों को कितनी जरूरत थी तुम्हारी। गॉड ब्लेस यू माय सन। Good night. Good night. Akina, Akina, Soni, meri manmohani. कब तू शहर से आएगी, कब मेरे दिल की दुनिया बसाएगी? नथु लाल की नथ पहन ले सोनी, वरना ये नथ यूं ही लटकती रह जाएगी। सोनी आ गई। अरे सोनी आ गई, सोनी फिर शहर से वापस आ गई। ये फिर आ गई कमीनी, सारे गांव वालों की नींद हराम करने के लिए। लेकिन ये कौन आ गई जिसके आने से पूरे गांव में तूफान सा आ गया? खूबसूरत लड़की है, नाम सोनी है, चमकती छुरी है, हर महीने शहर जाती है हवा पानी बदल ले, लेकिन जब भी आती है नोटों के बंडल लेकर आती है। लेकिन ये करती क्या है? ये धंधा करती है साहब, धंधा। अच्छा, कोई उसे नाम से नहीं पुकारता जी,
कोई उसे आवारा कहता है और कोई रंडी। रामदयाल, मैं नहीं कहता जी, गांव वाले कहते हैं, लेकिन जब भी आती है धन धनाती आती है, मुस्कुराती आती है, फिन फिनाती आती है। स्वागत के लिए इतने सारे लोग, खैरियत तो है चौधरी साहब? सोनी, हम तुझे इस गांव में नहीं रहने देंगे, मैं कहता हूँ वापस चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, इतना अच्छा गांव छोड़कर मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं तो इसी गांव में रहूंगी आप लोगों के साथ। ये शरीफों का गांव है सोनी, यहाँ तेरी जैसी आवारा लड़की नहीं रह सकती। अच्छा ये बात है, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे ये पत्थर किसने मारा? ये क्या कर रहे हैं आप लोग, एक एक लड़की को पत्थर मार रहे हैं? हाँ? चौधरी साहब आपके होते हो ये बुरी बात, लड़की को पत्थर मारते हो? रामदेव, जरा अंदर से दवाई तो लेके आना। जी साहब।
शर्म भी नहीं आती लोगों को। ज्यादा चोट तो नहीं आई? बाबू इस गांव में नए लगते हो। हाँ मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। मेरा नाम सोनी है, सोनी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जानते हो फिर भी मेरा इलाज कर रहे हो? मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज है। ओए मैं मर गई। क्या हुआ, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी ज्यादा पे तो सोनी मर गई। थैंक यू। तुम वहाँ बैठो, वहाँ इधर इधर यहाँ। अच्छा अरे आओ जल्दी से, इतनी देर कहाँ लगा तुमने? डॉक्टर बाबू वैसे तो सोनी अपनी कीमत डट के वसूल करती है, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी जान भी हाजिर है, वो भी मुफ्त। हाँ शुक्रिया। वैसे आपकी क्या कहते हैं उसे, हाँ सूचना, वैसे आपकी सूचना के लिए मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। सच बाबू? फिर तो सोनी तुम पर बिल्कुल मर गई। कंट्रोल कंट्रोल, बैठो बैठो। चलो अब। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। हाय मतली सी होती है, खट्टी चीजें खाने को जी करता है, तो गोया पांचवे बच्चे की तैयारी करके आए हैं। बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? तू पास नहीं आएगा हुँ? जब तेरी पत्नी तेरे चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी और सीरियस थी, तो तूने कसम खाई थी कि तू ऐसी हरकत नहीं करेगा, और अब 3 महीने हुए नहीं कि तू फिर ले आया इसी हालत में, जानवर कहेगा। डॉक्टर साहब इस बार माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते। आओ सोनी कैसी हो? एकदम चकाचक। उधर क्या देख रहे हो, चलो घर। अरे ये सर पर चोट कैसे लगी है सोनी? ये आप तो जानते हैं ना डॉक्टर जी, गांव वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने इतने जोर शोर से मेरा स्वागत किया कि बस धक्कम धक्की में जरा सी चोट लग गई। आपके शहर में बड़ी देर कर दी तुमने। क्या बताऊं डॉक्टर जी, वहाँ अपने चाहने वाले इतने हैं, इतने हैं कि बस आने नहीं देते। डॉक्टर जी एक बात बोलूं, ये जो आपके नए डॉक्टर जी है ना, प्यारे से बहुत खतरे में है। हाँ कैसे खतरे में? देखो ना डॉक्टर जी, गांव के सारे नौजवान तो चले गए दुबई, और दो चार टूटे फूटे रह गए अपने रामदयाल जैसे। अब ऐसे में इतना मक्खन किस्म का डॉक्टर आ गया अपने गांव में, अब भला कोई छोकरिया छोड़ेगी इसे? देखो मैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो जी, किसी की मजा ले जो तुम पर बुरी नजर डाले सिवाय मेरी। डॉक्टर साहब she's too much। वो क्या होता है? क्यों इसके पीछे पड़ी है सोनी, आ जा तेरी पट्टी कर देता हूँ। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं कर दूं पट्टी। अबे जा जा, बड़ा आया पट्टी करने वाला, शक्ल देखी कभी आईने में, कछुआ कहीं का। जिसने पहले पट्टी की थी वही अब भी करेगा। मैं नहीं करूंगा तुम्हारी पट्टी। नहीं आनंद ये ऐसे नहीं मानेगी, तू ही कर दे इसकी पट्टी, मैं जरा शंकर को देखा लूं। बैठो। हेलो मजदा, तुम्हारा जख्म तो सूख गया है, पट्टी की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर का जख्म तो सूख गया है, अंदर की चोट का इलाज नहीं करोगी? तुम्हें कहीं और चोट लगी है? कहाँ? अरे क्या करती हो? बस डर गए? जाती हो या डॉक्टर साहब को बुलाऊं? अरे अरे जाती हूँ बाबा जाती हूँ, पर एक बात याद रखना, अब तुम मुझसे बच कर नहीं जा सकते धर्म से, कभी तो मिलोगे अकेले में। माय गॉड She's too dangerous. ले आ गई गांव की गंदगी। ए जल्दी कर, मुझे भी पानी भरना है। चल दूर हटकर खड़ी हो। क्या बोली? गंदी औरतों की तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए। गंदी औरत हूँ मैं? तो और क्या, शहर में जाकर धंधा तो करती है, तभी तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ तो तेरे सीने में आग क्यों लगती है? तू भी पहनना, मैंने तुझे मना किया है। चल दूर हट, मुंह मत लग, बच्चलन कमीनी। क्या गाली देती मुझे? अरे अरे कर रही हो?
रही है। ये भी ले। अरे सोनी, हाँ? ये क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? गंदी गालियां देती है, मना किया तो हाथापाई पर उतर आई। ये क्या हरकतें करती रहती हो? लड़ती हो, मारपीट करती हो, जरा हुलिया तो देखो तुम्हारा। क्यों, क्या हुआ मेरे हुलिये को? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे सर पे दुपट्टा तक नहीं है। अरे शरीफ लड़कियों की तरह सर ढक के निकला करो घर से, समझी? देखा रामदयाल, डॉक्टर बाबू ने मुझे डांटा। तो इसमें खुश होने की कौन सी बात है सोनी? अरे बुद्धू, जब कोई अपना समझता है तभी तो डांटता है। सर पे दुपट्टा, समझ गई, समझ गई। अरे वाह, अगर मुझे मालूम होता कि डांटने से लड़कियां खुश होती हैं, तो मैं गांव की हर लड़की का सर फोड़ देता। दिमाग खराब हो गया तेरा? अब ठीक हो गया। अरे देखो क्या बंठन निकली है, चांद का टुकड़ा लग रही है। क्या बात है, अरे नखरा तो देखो इसका। हाय हाय, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाय नमस्ते डॉक्टर बाबू। है नमस्ते सोनी, कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। खांसी है? अभी दवा देता हूँ। डॉक्टर बाबू, तुम्हारी कल वाली बात का बहुत असर हुआ है मुझ पर धर्म से। कौन सी बात का? तुम्हें याद नहीं? नहीं तो चाचा जी, आप कल इसी वक्त आ जाना। जी अच्छा डॉक्टर बाबू। अच्छा एक बात बता, तुम्हें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही मुझ में? हाँ कुछ तब्दीली तो नजर आ रही है। हाँ? तुम्हारी बातचीत करने का तरीका कुछ ज्यादा ही धीमा सा है। बस। हाँ बस बस बस। हाँ ठीक है बाबू, ठीक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं ही पागल हूँ। ये तुम्हारी बातचीत करने का तरीका फिर से क्यों बदल गया? असली तरीका यही है बाबू बात करने का, चली थी शरीफ बने। अरे शराफत तो जमाना ही नहीं रहा। नमस्ते डॉक्टर जी। सोनी क्या हुआ? अरे होना क्या था डॉक्टर जी, दिमाग खराब हो गया था मेरा। इस बाबू को खुश करने के लिए मैंने सर ढका था, सारे गांव वालों ने देख लिया, मगर नहीं देखा तो इस बाबू ने नहीं देखा। अजीब लड़की है डॉक्टर साहब। लगता है सोनी को मोहब्बत हो गई है तुमसे। मुझसे? तो मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? जब कभी किसी के साथ ऐसा हादसा पेश आता है तो क्या करना पड़ता है? शादी करनी पड़ जाती है जी। मैं भी आया। क्या कहा? सोनी शहर से वापस आ गई? आहो जागीरदार साहब। अरे हमने उसे लाख बुलाया लेकिन वो हमारी हवेली में आती ही नहीं। ओ ते मिश्री थी डली लगदी पैसी जागीरदार साहब। ओए उसको जाके कह के हमने उसे बुलाया है। कल सवेरे ही सवेरे जाके उन्हें फड़ागा। हाय सोनी। ओ सोनी इधरा मेरी गल तो सुन। की गल है? चल मेरे नाल। किथे? तेनू जागीरदार ने बुलाया। अरे जा जा, साढ़े कोल टाइम नहीं है। तो ओवर टाइम ला ला है। सोनी अपनी मर्जी के मालिक है समझे, और वैसे भी सोनी के दिल पर आजकल छोटे डॉक्टर बाबू छाए हुए। हाय अभी दो दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब सोनी को साहब ने काट लिया है। कहाँ है सोनी? आई मैं साहब। अरे रामदयाल मेरा बैग ले गया ना, और तुम परसों आ जाना। चल चलिए। अब गरार है, जाई बाहर है, जमुरा के साथ डॉक्टर कौन बीमार है? अरे रामदयाल आगे डॉक्टर पीछे कंपाउंडर, खेत बीमार हो गए क्या? अरे सोनी ने सांप को काट लिया। सोनी ने सांप को काट लिया तो मर गया होगा साला। अरे सोनी ने सांप को नहीं काटा, सांप ने सोनी को काट लिया। सांप ने सोनी को काट लिया, फिर भी सोनी को काट लिया, अभी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अबे कंपाउंडर, अबे वो कंपाउंडर,
अरे मेरी जिंदगी तो हो जाएगी खंडर। अबे कंपाउंडर के बच्चे, अगर मेरी सोनी को कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया के सांपों को काट के खा जाऊंगा। अरे सांप जो काटे मुझे तो बाबू, मैं फिर भी बच जाऊं। मुस्का के देख ले मुझको, तेरी कसम मर जाऊं। सोनी अच्छा चल फिर खेत में।
खेत में सोनी खेत में आहा जागीरदार तुम। बहुत बार बुलाया तुझे हमने सोनी, लेकिन तू हमसे मिलने ही नहीं आई। सोचा हम खुद ही चल के तुझसे मिलने। इतनी जरूरत क्यों पड़ गई सोनी की, क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि तुझ पर दिल आ गया अपना। अब तू खुद ही चलकर हमारी बाहों में आ जाए तो बहुत मजे में रहेगी। वरना उठा के ले जाएंगे तुझे। अच्छा जागीरदार जी, मैं कोई बेजुबान शरीफ जादी नहीं हूँ जो तुम्हारा जोर जुल्म चुपचाप सहलूंगी। मेरा नाम सोनी है, सोनी एक नंबर की आवारा बदनाम लड़की हूँ। अगर मुझे हाथ लगाया ना तो मैं थाने और कोर्ट की सैर करा दूंगी। एक बात और याद रखना, बड़े शेर बने फिरते हो, अगर मैंने थाने में तुम्हारी रपट कर दी ना तो तुम अंदर हो जाओगे, समझे? देख सो क्या हो, उठाओ इसे और ले चलो हवेली। अरे नाई, इसकी इन्हीं अदाओं पर तो हम मरते हैं। अरे शिकार जितनी मुश्किल से हाथ आता है उतना ही मजा आता है। अरे जब से तेरा जवान बेटा मरा है तब से उधार दे रहा हूँ और तूने एक रुपया भी नहीं चुकाया। अगर ऐसे उधार देने लगूं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। चल हट, चल यहाँ से, चल। ओए लाला की गल है, इतना गर्म क्यों हो रही है? ओए तो गाली गर्म होने वाली सी सोनी। तू दस तेनू की चाहिए है, इस पूरे गांव दे विच तू ही नगद देने वाली है, बाकी तो सब उधार ही उधार ने। चंगा तो ले, इसी गलते 15 दिन का राशन पानी बांध। ए ले नगद पे है, ले रामू काका। रामू काका मैं आपके लिए थोड़ा सा राशन और खाना लाई हूँ अपने हाथों से बनाकर, ये लो। निकल जाए यहाँ से, हम लोग गरीब हैं तो क्या, इज्जतदार हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन तेरे बाप की कमाई हुई रोटी हम नहीं खाएंगे। लेकिन मौसी, चले जा। कल टीका लगवा लेना। डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं। आपके लिए मैं मकई का आटा लाया हूँ। मकई का आटा, अरे ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। अच्छा सुनो जी, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है, टीका लगवा लेना जरूर। अच्छा अच्छा, अरे मेरे बस में हो ना तो गोली से उड़ा दूं कमबख्तों को, आग लगा दूं सारे गांव को, नमक हराम कहीं के। क्या हुआ सोनी, आज तो तू बड़े गुस्से में। अरे बात ही कुछ ऐसी है डॉक्टर जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ लेकिन हुआ क्या? वो जो बुढ़ा बुढ़ी है ना, गांव के कोने में रहते हैं। हाँ वो रामू और उसकी बीवी। हाँ वही, मुझे ना जाने क्या सूझी, मैं राशन लेके पहुंच गई हूँ। क्या फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, इतना जलील किया मुझे कि समझ आ गई, कहने लगे कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन तेरी हराम की कमाई नहीं खाएंगे। डॉक्टर जी क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मेरे हाथ की रोटी भी नहीं खाता? नहीं सोनी, तेरे अंदर तो एक बहुत अच्छी लड़की छिपी हुई है। नहीं डॉक्टर जी, अच्छे तो तुम हो जो ऐसी बातें करके मेरा दिल बहला रहे हो। डॉक्टर जी एक काम करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। रामू और उसकी बीवी बड़ी गरीबी के दिन गुजार रहे हैं, ये कुछ रुपए हैं, उनको अपनी तरफ से दे देना, मेरा नाम नहीं लेना। हाँ वरना वो नहीं लेंगे। अच्छा डॉक्टर जी मैं चलती, थैंक यू। हाँ सोनी। जी डॉक्टर जी। एक बात तो बता सोनी, ये गांव वाले तुझसे इतनी नफरत करते हैं, अलाबुरा कहते हैं तेरे बारे में, लेकिन फिर भी जब भी तू शहर से आती है किसी ना किसी गांव वाले की मदद करती है, आखिर क्यों करती है, क्यों? ये इनके लिए थोड़ी करती हूँ डॉक्टर जी, ये तो मैं ऊपर वाले को खुश करने के लिए करती हूँ कि शायद कभी उसे मुझ गुनाहगार की हालत पर तरस आ जाए। अजीब लड़की है, गुनाह से कमाती है और नेक काम में खर्च कर देती है। हाँ
अरे अरे क्या 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 करती हो? मुझसे बचकर कहाँ जा रहे हो बाबू? मैं कोई छूत की बीमारी तो नहीं? तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। अच्छा तो इलाज कर दो ना मेरा। डॉक्टर किस बात के हो? दूर 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 रख के बात करो, अकेला देख के छेड़ती हो मुझे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अकेले की क्या बात है बाबू, तुम कहो तो तुम्हारे घर के सामने बैंड बाजे के साथ सबके सामने छेड़ दूँ। हाँ अरे ज्यादा डींगे मत मारो, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। अच्छा तो तुम सोनी को नहीं जानते बाबू, कल खुद ही देख लेना। हाँ मजाक करती है, ये ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कर सकती है? नहीं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती।
सकते बाबू। अरे जाओ यहाँ से, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो और किसके पीछे जाऊं? जहन्नुम में जाओ, खुद तो वो क्या कहते हैं, हाँ बदनाम, खुद तो बदनाम हो ही, मुझे भी सारे गांव में बदनाम कर रही हो। अरे डॉक्टर बाबू मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर बाबू मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुन लो, बिना जरूरत मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। जरूरत तो पड़ती रहेगी ना डॉक्टर बाबू। क्यों 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 क्यों? बीमार जो ठहरे हैं आपके। सोनी! अरे बाप रे चौधरी साहब, भाग ले सोनी। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? निकलो यहाँ से, भागो। रामदयाल जी, ये सब क्या हो रहा है? गांव ने पंचायत बुलाई है, सोनी की पेशी है। सोनी की पेशी? जी हाँ। चलो तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। सोनी, हम तेरी हरकतों से बहुत तंग आ चुके, ये गांव तेरी बदमाशी और नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्यों ना तुझे गांव से निकाल दिया जाए। लेकिन मेरा कसूर क्या है चौधरी साहब, क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने? तू आवारा है, तू बदमाश है, तू बदचलन है, तू धंधा करती है। इतने ढेर सारे खिताब दिए आप लोगों ने मुझे, जरूर कोई सबूत भी होगा आप लोगों के पास, मेरा मतलब है कोई गवाह, कोई है जो सोनी पर लगाए हुए इल्जामों को सच्चा साबित कर दे? अगर है तो सामने आए। कोई नहीं है चौधरी साहब। है नहीं तो कहाँ जाएगा? सबूत मैं पेश करता हूँ सोनी, तू हर महीने शहर जाती है और वापसी पर हाथों में नोटों की गड्डियाँ उछालती हुई लेकर आती है। शहर जाकर नोट कमाना गुनाह है क्या? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। चौधरी साहब आप भी तो शहर जाते हैं और रुपया लेकर वापस आते हैं, और तुम नहीं जाते शहर और नोट कमा कर नहीं लाते। और मौलवी साहब आप भी तो हर दूसरे हफ्ते शहर जाते हैं, क्यों? अगर शहर जाकर नोट कमाना जुर्म है चौधरी साहब, तो इन सारे गाँव वालों को मेरे साथ खड़ा कर दीजिए, क्योंकि ये जुर्म ये सब करते हैं। मगर हमारे पास जमीन है, अनाज है, कारोबार है, हम सब अपना माल बेचने के लिए जाते हैं। तेरे पास ना तो जमीन है ना अनाज है, तू क्या बेचने जाती है वहाँ? क्या बेचती हो वहाँ जो शहर से इतना लंबा माल कमा कर लाती हो? जवाब दो। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम सारे मर्दों के सर शर्म से झुक जाएंगे, क्योंकि इस गाँव के लोग अपने गाँव की एक बेटी को इज्जत की रोटी नहीं दे पाए, इसलिए उसे शहर के बाजारों की खाक छानी पड़ी है। एक गवाह मौजूद है चौधरी साहब, लेकिन माफी का वादा करना होगा। क्या सोच रहे हो चौधरी साहब, सोनी की तरफ से इजाजत है, कर दो माफी का ऐलान, जरा सामने तो आए वो माए का लाल। चौधरी साहब मैंने झूरे को कई मर्तबा कहते हुए सुना है कि सोनी का चक्कर है इसके साथ। बोल झूरे, क्या है सच है? सच क्या है उसका सबूत अभी मिल जाएगा चौधरी साहब। झूरा रात के अंधेरे में सोनी की इज्जत लुटने जरूर आया था, मगर जानते हैं क्या हुआ? ये देखो, सोनी के चाकू का जख्म आज भी ये सीने पे लिए फिर रहा है चौधरी साहब। कुछ भी हो, हम तुझे इस गांव में नहीं रहने देंगे। जब हम तुझे इस गांव में नहीं रखना चाहते, तू दफा भी नहीं हो जाती यहाँ से। मैं इस गांव से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस गांव में मेरे बुजुर्गों की मिट्टी की खुशबू है, और फिर ये गांव सिर्फ आपके बाप का नहीं, मेरे बाप का भी है, समझे? और अब मुझे इजाजत दीजिए चौधरी साहब, क्योंकि मेरा टेम बहुत कीमती है धर्म से। अब मुझे भी इजाजत दीजिए चौधरी साहब। इजाजत? हाँ, सांस लो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, कल से तुम स्कूल जा सकते हो। हाँ जाओ। तुम क्यों आई हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ जी, मैं तो असली डॉक्टर जी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? बाहर गए हैं। क्या काम है? अब तुम डॉक्टरों के पास कोई खुशी से तो नहीं आता, जरूर कोई तकलीफ है, इसलिए आई हूँ। देखो अगर तुम्हें वाकई कोई तकलीफ है तो मैं हाजिर हूँ, मगर कोई क्या नहीं चलेगी, हाँ बदतमीजी नहीं चलेगी, समझी? समझ गई। क्या तकलीफ है? फोड़ा है, मलहम चाहिए। कहाँ है, दिखाओ। दिखा दूँ? हाँ दिखाओ। यही दिखा दूँ? अरे यहाँ नहीं, दिखाओ। ठीक है, डॉक्टर से क्या पर्दा,
दिखा देते। अरे क्या 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 क्या, क्या करती हो? नीचे कमीज नीचे। क्या हुआ? तुमने खुद ही ने तो कहा था ना डॉक्टर बाबू। मैंने तुम्हें फोड़ा दिखाने के लिए कहा था, ये कमीज उतारने के लिए नहीं कहा था। लेकिन फोड़ा पीछे है। हाँ तुम्हें कोई फोड़ा वोड़ा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं डॉक्टर बाबू, सोनी सारी दुनिया से झूठ बोल सकती है लेकिन तुमसे नहीं। हाँ तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो खुद ही देख लेना। फजूल बातें मत करो, वो गांव वाले ठीक ही कहते हैं कि तुम नहायत ही बेहुदा बेशरम और आवारा किस्म की लड़की हो, मैं सब समझता हूँ। यही तो मुश्किल है, सब समझते हैं कि वो समझते हैं मगर समझता कोई नहीं। सोनी ये सोनी रोती हुई क्यों गई यहां से? डॉक्टर साहब इस 2 टके की छोकरी को बहुत सर पे चढ़ा रखा है आपने। रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर आ जाती है जलील हरकतें करने के लिए। आज फोड़े का बहाना बनाकर आ गई थी और वो हरकत करी थी जो शायद ही कोई लड़की करे। नहीं आनंद ये बहाना नहीं है, उसकी पीठ पर सचमुच फोड़ा है, वो मुझसे कई बार मलहम ले जा चुकी है। जी आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैंने बहुत जलील किया उसे। एक तुम ही क्या, उसे तो सारा गांव जलील करता रहता है और वो बेचारी कभी हंसकर कभी गाकर कभी झगड़कर सारी जिल्लत बर्दाश्त करती रहती है। फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करती रहती है डॉक्टर साहब? तुम उसकी पूरी कहानी सुनोगे तो शायद उसे इतना कसूरवार नहीं समझोगे। ये 2 टके की छोकरी कभी इस गांव की मासूम और शरीफ लड़की हुआ करती थी। उसके मरूम बाप ने बड़े और मानों के साथ उसकी शादी तय की थी। ठीक उसकी शादी के रोज सोनी उधर तेरी डोली उठेगी और इधर कुएं में से मेरी मौत की बोली उठेगी तब। मंगल सिंह मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से न ले। मैंने भी तुझसे एक दिन कहा था कि मेरे भाई के खिलाफ अदालत में गवाही ना दे। लेकिन मैंने अदालत में सच बोला था मंगल सिंह। तो ले सच का इनाम। सोनी सोनी अरे तू बचा सोनी को। धर्मा संभालो अपनी सोनी को, मंगल सिंह के सारे आदमी को मारकर बचा पाए हैं इसको। सारी रात डाकुओं के साथ गुजार कर अपनी इज्जत लुटा कर आई है, अब हमारे घर के काबिल नहीं रही तू, चली जा यहाँ से। नहीं नहीं ये झूठ है, मेरी इज्जत को कोई दाग नहीं लगा बाबा। झूठ बोलती है तू, डाकुओं के साथ रात गुजारी और इज्जत नहीं लुटे करी? नहीं ये झूठ है, आप खुद ही मंगल सिंह से पूछ लीजिए। बोलो मंगल सिंह, क्या सोनी पवित्र है? इसके बाप की वजह से मेरे भाई को फांसी लगी, इसकी वजह से रात मेरे सब साथी मारे गए और मुझे भी अब फांसी से कम सजा क्या होगी, तो फिर क्यों ना हमारी बर्बादी के कारण को झूठ बोलकर बर्बाद कर दिया जाए। बोलो मंगल सिंह चुप क्यों हो? सच तो यह है धर्मा, मेरे तीनों साथियों ने इसकी सारी रात इज्जत लूटी। नहीं ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे अपनी बहू बनाकर अपने चरणों में जगह दीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। अब तो मेरे बापू भी नहीं रहे, मैं अनाथ कहाँ जाऊंगी मैं? अब तुम्हारी जगह हमारे घर में नहीं सोनी, किसी बाई जी के कोठे पर होगी। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ। तुम क्यों आए हो यहाँ? प्यासा कुएं के पास क्यों आता है मेरी जान, प्यास बुझाने। मेरी बाह में आ जाओ। अरे मैं तुझे माला माल कर दूंगा, डाकू ने तो तेरी इज्जत लूटी ली है, अब क्या फर्क पड़ता है? और मैं कोई डाकू मंगल सिंह से बुरा तो नहीं, अरे मैं तेरा पति ना सही, प्रेमी तो बन के रह सकता हूँ मेरी जान। छोड़ दो मुझे।
आओ मेरी सोनी। देखो मैं इस गांव की आबरू हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे दिल में आ जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के सारे गांव का इकट्ठा कर दूंगी। आधी रात में गांव वालों को कहां तेरी आवाज सुनाई देगी। सोनी सोनी क्या हुआ सोनी, क्यों चिल्ला रही थी? वो मेरी इज्जत लूटने आया था। कौन? धर्मा पटेल का बेटा। सोनी तू मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। चौधरी साहब इनका बेटा सचमुच मेरी इज्जत लूटने आया था। दर्शन सच क्या है तुम बोलो। चौधरी साहब मैं इसके घर के सामने से गुजर रहा था, इसने मुझे आवाज दी, अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया और उस पर कहने लगी कि मुझसे शादी करेगा या नहीं। मैंने मना कर दिया तो उस पर ये कहने लगी तो ठीक है मुझे 200 रुपए दे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उस पर ये कहने लगी अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं चिल्लाऊंगी और सारे गांव में तुझे बदनाम कर दूंगी। और चौधरी साहब जोर जोर से चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। मैं तो घबरा गया और खिड़की से कूदकर भाग गया। सुन लिया लोगो, खुद की इज्जत तो डाकुओं के हाथों लुटा चुकी है, अब हम शरीफों की इज्जत भी मट्टी में मिला रही है। धर्मा ठीक कहता है चौधरी साहब, सोनी ने ये नया तरीका निकाला है पैसा कमाने का। ऐसी लड़की गांव में रहेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। सोनी बदमाश है, निकालो इसे गांव से। सोनी तू आवारा है, तू बदचलन है। चौधरी साहब सोनी बुरी लड़की नहीं है। डॉक्टर साहब ये पंचों का मामला है, इसमें हम ना बोले तो ठीक है। सोनी सारे गांव का ये फैसला है कि तू गांव छोड़ के चली जा, निकल जा यहां से। उसके बाद गांव की भोली भाली मासूम सोनी ये सोनी बन गई, बच्चलन आवारा। सोनी खूब मौके से मिली आज। सोनी क्या बात है, आज तुम अकेले ही निकल पड़े, बदमाश कहाँ है तुम्हारे? अरे जब हम तुम मिले सोनी तो बदमाश होगी नहीं, मोहब्बत की बात किया कर जाने मन। मोहब्बत की बात? अरे ये ले 10,000 और चल हवेली। बस 10,000? 20,000 ले, अब तो चल। अगर तूने हमें खुश कर दिया ना सोनी तो तेरे कदमों में दौलत के ढेर लगा देंगे। जानती हूँ तुम गरीब लोगों के मुंह से सूखी रोटी का निवाला तो छीन लेते हो, लेकिन नाचने वालियों की घुंघरू की थाप पर नोटों की बारिश कर देते हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अरे तू अपनी कीमत खुद लगा ले, बोल कितने पैसे चाहिए तुझे। हाँ बहुत हराम के पैसे हैं तुम्हारे पास, मगर फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो सोनी खुद चलकर आएगी तुम्हारे पास। नमस्ते डॉक्टर जी। ओ नमस्ते सोनी, आओ आओ। डॉक्टर जी हाँ? वो जो आपका छोटा डॉक्टर है ना हाँ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। वो कैसे? देखो ना डॉक्टर जी, जब मैं गली बाजार से गुजरती हूँ तो सब लोग मुझे देखकर आंखें भरते हैं, और वो मुझे घास ही नहीं डालता, मुझे तो लगता है इसके सीने में दिल ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, दिल है दिल है। अब देख ना सोनी, तू इस गांव की सबसे ज्यादा लड़ाकी लड़की है ना? तू इस गांव की सबसे ज्यादा जबान दराज लड़की है ना? तू इस गांव की सबसे ज्यादा बदनाम लड़की है ना? अब ऐसी लड़की की तरफ कोई शरीफ आदमी हाथ बढ़ा तो सकता नहीं। तुम ठीक कहते हो डॉक्टर जी, मगर मुश्किल ये है कि वो जो तुम्हारा छोटा डॉक्टर बाबू है ना,
वो मेरे दिल में घुस गया है, निकलता ही नहीं। सोनी, अगर तू आनंद का दिल जीतना चाहती है ना, हाँ, तो तुझे ये तौर तरीके सब बदलने होंगे और ये इल्जाम बंद करना होगा। अरे डॉक्टर जी, अगर मैं ये सब बंद भी कर दूँ ना, फिर भी ये गांव वाले मुझे थू थू ही करते रहेंगे। उन्हें तो मुझसे जन्म जन्म का बैर है। देख सोनी, तू एक काम कर, किसी तरह चौधरी साहब को मना ले। ना बाबा ना, वो तो मेरी शक्ल देखती नीले पीले हो जाते हैं। हाँ, अरे नहीं नहीं, चौधरी साहब तो बहुत नेक दिल और शरीफ आदमी है। हाँ, तो एक काम कर, एक दिन सुबह सुबह उनके घर पहुंच जा और फटाक से उनके कदमों में लेट जा, और जब तक वो माफ ना करें, अपना सर उनके कदमों से ना उठाना। चौधरी साहब ने तुझे माफ कर दिया तो समझ ले सारे गांव ने माफ कर दिया, और फिर तो आनंद भी तुझसे बच नहीं सकता। सच सच सच। अरे रामदयाल, बैग निकाल लो। रामदयाल, इतनी बड़ी गाड़ी अपने गांव में? पहचाना मुझे रहमान? डॉक्टर कुमार। राइट। कितने साल हो गए? 10, 12, 15, 20 साल हो गए। You're still looking very good, old man. How are you? तुम भी खूब हो रहमान, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए हो, विलायत से, यूरोप से, अमेरिका से, और इस छोटे से गांव में प्रैक्टिस कर रहे हो। कैसी कमाई चल रही है, कितना पैसा बना लेते हो? पैसा? अरे कोई आटा दे जाता है, कोई दाल, कोई चावल, और कुछ लोग तो सिर्फ शुक्रिया कह जाते हैं। मगर गुजर हो रहा है मेरा। समझा, आटा, दाल, कच्चे घर, गंदी गलियां, यही तुमने कमाया है 20 वर्षों में, और शायद तुम यही मेरे बेटे का मुकद्दर भी बनाना चाहते हो। तुम्हारा बेटा? आनंद मेरा बेटा है। बताया नहीं उसने मुझे? मैं बताता हूं, मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था बिजनेस के लिए, और इतने दिन हो गए वो घर नहीं लौटा। तुमने उसे बहला फुसला कर गुमराह कर दिया। गुमराह? खुदा के लिए ये क्या कह रहे हो? वो बहुत समझदार लड़का है, उसे अपने फ्यूचर का फैसला खुद करने दो। उसके फ्यूचर का फैसला मैं करूंगा। मैंने उसे पाला पोसा, पानी की तरह पैसा बहाया उसकी पढ़ाई पे, क्या मेरा उस पर कोई हक नहीं? रहमान, तुम्हें इस हालत में देख कर मुझे बड़ा दुख होता है। कितनी डिग्रियां ली तुमने, कितना तजुर्बा हासिल किया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तुम क्या बन सकते थे और क्या बन गए? डॉक्टर कुमार, कुछ दीवाने ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिन्हें दुनियादारी से ज्यादा अल्लाह की राह पर चलने का ख्याल होता है। उन दीवानों को ना छेड़ो, तुम अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो। रहमान, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का हक है जो तुम कर चुके हो, लेकिन मैं अपने बेटे को तुम्हारी इस दीवानगी के रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। ये टूटा फूटा दवाखाना ऐसे तुम क्लिनिक कहते हो? अगर क्लिनिक देखना तो मेरे साथ चलो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्लिनिक क्या होता है और इलाज कैसे किया जाता है। 1 करोड़ की तो सिर्फ बिल्डिंग बनवा रहा हूं आनंद के हॉस्पिटल के लिए, लाखों की मशीनरी जा रही है अमेरिका से, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। डॉक्टर रहमान, मेडिसिन की दुनिया में इनकलाब आ गया है, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, और तुम अभी तक स्टोन एज पत्थर के दौर में सांस ले रहे हो। भला आज के जमाने में ये तरीका इलाज करने का? तो ठीक है, तुम ऐसा ही एक शानदार क्लिनिक यहां बनवा दो, वही मशीन लाकर यहां फिट करवा दो। इन गांव वालों के लिए? क्यों, इन लोगों में भारी भारी फीस और बड़े बड़े बिल्स भरने की ताकत नहीं है, इसलिए इन्हें सिसक सिसक के मर जाने दिया जाए। डोंट बी स्टूपिड रहमान, हर आदमी को उसकी हैसियत और औकात के मुताबिक इलाज मिलता है। डॉक्टर इंसान की हैसियत को नहीं, उसके मर्ज को देखता है, और इंसानों में फर्क करने का हक किसने दिया तुम्हें? और ये डॉक्टर के पेशे को कारोबार क्यों बनाना चाहते हो तुम? क्योंकि डॉक्टर बनने और अस्पताल बनाने में लाखों का खर्चा है, अगर कमाई ना हो तो क्या फायदा इस बिजनेस में? बिजनेस ही करना था तो तुम कोई टेक्सटाइल मिल्स लगा लेते, शक्कर या कागज का कारखाना खोल लेते। व्हाई मेडिसिन? व्हाई? क्योंकि मेडिसिन भी बिजनेस है रहमान, लेकिन तुम नहीं समझोगे। जिस शख्स ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल ढोर डंगोरों में गुजार दिए हो, वो क्या समझेगा नई दुनिया और उसकी तरक्की को? यू आर ए टोटल फेलियर रहमान।
तुम एक हारे हुए नाकाम इंसान हो। आई एम सॉरी फॉर यू। मैं अपने बेटे को यहां से ले जा रहा हूं। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर कुमार, तुम्हारे नजदीक हार जीत का मायार सिर्फ दौलत है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि गरीब की आंख से टपका हुआ शुक्रिया का एक आंसू दिल को जो खुशी पहुंचाता है, तुम्हारे बड़े बड़े बैंक बैलेंस और भरी हुई तिजोरियां भी वो खुशी नहीं पहुंचा सकती, नहीं पहुंचा सकती। तकरीर बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को यहां से ले जा रहा हूं। चौधरी साहब, नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट के लिए रुक जाइए चौधरी साहब, आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये लीजिए मिठाई का डब्बा आपके लिए। मिठाई का डब्बा? हाँ। क्या बात? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप की बाप की तौबा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रही है, छोड़ मुझे। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी शरीफ बनकर दिखाऊंगी, ऐसी शरीफ बनकर दिखाऊंगी। सोनी, सोनी, आनंद बाबू शहर वापस चले गए। क्या? उनके पिताजी आए थे और जबरदस्ती अपने साथ उन्हें शहर वापस ले गए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मंत्री जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। अच्छा, ये नोट करो, वक्त का पाबंद होना लोगों को अच्छा लगता है। मंत्री जी, आजकल अखबारों में आपके बहुत चर्चे हैं। बहुत चर्चे हैं जी? ये भी नोट करो, अखबारों में ज्यादा चर्चे अच्छी बात नहीं। नमस्कार। नमस्कार। आजकल तो आप हर पार्टी में नजर आते हैं। हर पार्टी में नजर आते हैं, ये भी नोट करो, सब पार्टी में जाना बंद, किसी किसी खास पार्टी में जाएंगे। नमस्कार, नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। ये भी नोट करो। नहीं नहीं, ये नमस्ते है, नमस्ते। क्या नोट करवा रहे हो मंत्री जी? भाई जनता की राय नोट करवा रहे हैं। तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, आनंद को शहर वापस ले आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। इरादा है उसके लिए एक ऐसा अस्पताल बनाऊं जिसकी मिसाल ना हो। भाई वाह। आनंद आओ जी, मिलो अंकल से। नमस्ते भाई, हम तो चाहते हैं तुम भी अपने बाप की तरह एक बहुत बड़े डॉक्टर बनो। श्योर श्योर। विस्की? विस्की ऑरेंज में मिक्स करके। नोट करवा दूं? नहीं नहीं, ये नहीं। That was a real good sir, one. बाहर एक फालतू छोकरी आई, वो कहती है आपसे मिलना, मैंने उसे बाहर ही रोक दिया। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे सोनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आई? लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? क्यों आई? डॉक्टर जी से पता लिया और ढूंढते हुए सीधी चली आई। क्यों 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 क्यों? अपनी होने वाली से मिले बगैर ही चले आए गांव से। What? क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल था मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? देखो सोनी, तुम्हारा ये मजाक यहाँ नहीं चलेगा। मेरे जो डैडी है ना, वो मेरी तरह नरम दिल के नहीं है, वो बड़े गुस्से वाले हैं। हाँ हाँ, तो मुझे भी मिला। अरे, अरे, सोनी 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 सोनी, खबरदार अंदर नहीं जाना। क्यों, इसमें हर्जी क्या है? मुझे भी तो कभी ना कभी दुल्हन बनकर इसी घर में आना है। माय फुट। देखो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुमसे शादी के बारे में क्या नहीं सकता, हाँ सोच भी नहीं सकता। अब मैं भी तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ। क्या समझा चुकी हूँ? हाँ, कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। आई सी। तो तुम्हारे इस एक तरफा फैसले में मुझे भी कुछ बोलने का हक है या नहीं? क्यों नहीं, शादी होगी ये फैसला मैंने किया है, कहाँ होगी और कब होगी ये फैसला तुम कर लेना। तो अभी करता हूँ फैसला। अभी? सच? अरे बाबू, मेरी बात तो सुनो। पुलिस में इत्तला कर दूंगा। लेकिन क्यों? हम
वर्ष का प्यार इतना तू जान ले रे। ए दोस्त तू बेईमान है, फिर भी हमारी जान है, हमको गले लगा ले तू, आखिर तेरे मेहमान है। ए दोस्त तू ले जा रहा हूं अपनी जान छुड़ाने। लगता है एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति एक्सीडेंट में सीरियसली जख्मी हो गए, प्लीज इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज जल्दी कीजिए। मैं देखता हूं। आप घबराइए मत, आनंद बाबू डॉक्टर हैं। देखिए इनके अंदर से खून बह रहा है, इंटरनल हैमरेज, लिवर रैप्चर हो गया है, उसे बंद करने के लिए फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? ओह नो, प्लीज आप इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए। हॉस्पिटल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और इनके पास इतना वक्त नहीं है, मुझे ये ऑपरेशन इसी वक्त करना होगा। ऑपरेशन यही इसी जगह? देखिए ये इमरजेंसी है, घबराइए नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है खून बंद करने के लिए। नहीं, मैं ये बेवकूफी आपको नहीं करने दूंगी। जी मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, आपसे बेहतर जानता हूँ। वक्त बहुत कम है, अगर खून ज्यादा बह गया तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं। आप घबराइए मत, हौसला रखिए। सॉरी, मैं आपके पति को बचा नहीं सका। ये क्या बेवकूफी की तुमने? एक आदमी जो मरने वाला था उसको ऑपरेशन कर दिया और वो भी सड़क पर। कहां था तुम्हारा दिमाग? उस नाचने वाली में जिसे तुम खींच के यहां से ले गए थे। एक्सक्यूज मी सर। यस, क्या कराने साहब ने? सर वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो तुमने कुछ भी ऑफर करते, 5 लाख 10 लाख एनी अमाउंट ऑफर किया था सर। फिर? लेकिन वो कहती है बात पैसों की नहीं, उसूल की है। अदालत का फैसला अब उनके मन को शांति दे सकता है। और करो दुनिया की सेवा, क्या जरूरत थी उस शख्स को ऑपरेशन करने की? दूध इधर चुपचाप गुजर जाते वहां से, पड़ा रहते तो से मरने के लिए। डैडी मैं एक डॉक्टर हूं,
एक घायल आदमी को सड़क के किनारे मौत के मुंह में छोड़कर मैं कैसे गुजर जाता? सोचिए जरा। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम्हारी हमदर्दी हमें कितनी महंगी पड़ेगी। तुम पर सीधे सीधे कत्ल का इल्जाम लगाया जाएगा। मौत यकीनी है योर ऑनर, एक न एक दिन सबको मरना है, लेकिन जब मौत किसी की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से हो तो उस मौत को मौत नहीं कहते, उसे कत्ल कहा जाता है योर ऑनर। एक खौफनाक हादसे के नाम से पुकारा जाता है। एक ऐसे ही खौफनाक हादसे का जिम्मेदार वो शख्स है जिसका पेशा इंसानों को मौत के मुंह से बचाना है, लेकिन जब मसीहा कुछ जल्लाद बन जाए तो उसे हादसा नहीं कहते योर ऑनर, उसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। और एक ऐसा ही कत्ल सड़क के किनारे हुआ है और कातिल आपके सामने मौजूद है योर ऑनर। क्या यह सच है कि मेरी क्लाइंट रानी साहिबा ने अपने मरहूम शौहर को ऑपरेशन करने से आपको मना किया था? जख्मी की हालत बहुत क्रिटिकल थी और एक डॉक्टर के नाते मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। मैं जख्मी को उस हालत में वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लेकिन जख्मी पर अपना हाथ आजमाने के बजाय आप उसे अस्पताल भी पहुंचा सकते थे। अस्पताल वहां से 20 किलोमीटर दूर था। अगर मैं उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता तो जख्मी रास्ते में ही दम तोड़ सकता था। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी की मौत लॉस ऑफ ब्लड यानी ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई। जाहिर है यह ज्यादा खून इनके ऑपरेशन की वजह से बहा, क्योंकि इनके हाथों को अभी ऑपरेशन करने की तमीज नहीं है, तजर्बा नहीं है, इसलिए मौत इनकी लापरवाही की वजह से हुई जो इनके गलत ऑपरेशन का नतीजा। लॉस ऑफ ब्लड जख्मी के लिवर में हुए जख्म का नतीजा था जिसे मैं अपने ऑपरेशन के जरिए बंद करने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, डॉक्टर आनंद को प्रैक्टिस करते हुए अभी चंद महीने भी नहीं हुए कि इन्होंने अपने आप को अथॉरिटी समझ लिया। योर ऑनर, अब मैं अपनी बदनसीब क्लाइंट रानी साहबा पद्मनी देवी को पेश करना चाहता हूं जो जिंदा रहते हुए भी एक मुर्दे में तब्दील हो चुकी हैं। रानी साहबा, मुझे मालूम है कि इस वक्त आप गमों से निढाल हैं, मगर फिर भी यह जरूरी है कि उस खौफनाक हादसे के बारे में आप अदालत को बताएं। मेरे बदनसीब पति और हमारे खानदान को इस शहर का बच्चा बच्चा जाता है। इस शहर का हर प्यार डॉक्टर उनका दोस्त था। मुझे यकीन था कि अगर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन इसने न उनकी नाजुक हालत को देखा न मेरे मना करने पर कान धरा। मैंने विनती की, भगवान का वास्ता दिया, लेकिन इसने एक न सुनी, वही सड़क पर चीर फाड़ शुरू कर दी जैसे मेरे पति इंसान नहीं कोई भेड़ बकरी हो। यस योर ऑनर, बड़े से बड़ा डॉक्टर और सर्जन भी करीबी रिश्तेदारों की मर्जी और दस्तखत के बिना ऑपरेशन नहीं करता, लेकिन उन्हें किया और उन्हें मार डाला। ये डॉक्टर नहीं, कातिल है जज साहब, ये जल्लाद है, इसकी डिग्री छीन लीजिए, इसे फांसी पर लटका दीजिए ताकि मेरी तरह कोई और इसकी जिद की मार से बेमौत न मारा जाए। रानी साहिबा, आप तशरीफ रखिए। योर ऑनर, मुलजिम इंतहाई गैर जिम्मेदार ना तजर्बेकार जिद्दी और मनमौजी इंसान मालूम होता है जिसने दौलत और सिफारिश के बल पर अपने रईस और बारसूख बाप की वजह से मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डिग्री हासिल कर ली। ऐसे ना तजर्बेकार नौजवान न सिर्फ समाज बल्कि सारी इंसानियत के लिए खतरा है। जिन पूजा के दियों से हाथ जलने लगे योर ऑनर, उन दियों को बुझा देना चाहिए या उन्हें मंदिर के बाहर रख देना चाहिए। डॉक्टरी का पेशा भी योर ऑनर एक इंतहाई पवित्र पेशा है, इस पेशे पर जो भी धब्बा बने उसे मिटा देना चाहिए। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि ऐसे कातिल को ताजरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाए। योर ऑनर, डॉक्टर जी। जनाबे अली, इससे पहले कि ये अदालत कोई फैसला करे मैं इस मुकदमे के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। डॉक्टर
आपकी तारीफ? मैं डॉक्टर रहमान हूं। जनाबे वाला, 25 साल पहले मैंने MBBS की, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी से मेडिकल डिग्रीज हासिल की, फ्रांस और वियना की मेडिकल यूनिवर्सिटीज का ऑनररी फेलो हूं, और पिछले कई सालों से दूर छोटे से गांव में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? जनाबे वाला, क्योंकि इस मुकदमे का ताल्लुक मेडिकल एथिक्स और डॉक्टरी पेशे से है, इसलिए एक डॉक्टर की हैसियत से मैं इस सिलसिले में कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं। एनी ऑब्जेक्शन माथुर साहब? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं योर ऑनर। शुक्रिया। जनाबे वाला, डॉक्टर की जिंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान होता है। कदम कदम पर ऐसे मौके आते हैं जब उसे इंसान की जिंदगी के बारे में फौरन फैसला करना पड़ता है, जिस पर मरीज की जिंदगी और मौत का दारोमदार होता है। अब इन हालात में वो ना तो किसी से मशवरा ले सकता है और ना ही उसके पास इतना वक्त होता है कि वो कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ सके। उसके दिल और दिमाग में तो बस एक ही ख्याल होता है कि मौत से कैसे लड़ा जाए, इंसान की जिंदगी को कैसे बचाया जाए, हाउ टू सेव अ ह्यूमन लाइफ। अगर हम डॉक्टरों के पैरों में कानूनी मजबूरियों की बेड़ियां डाल दें और इंसानी जिंदगी के लिए लड़ने वाले हाथों को कानूनी रस्सियों से बांध दें और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दें कि वो कौन से कानून की जद में आते हैं, तो यकीन कीजिए जनाबे वाला, ये मेडिकल साइंस ने जो भी तरक्की की है वो सब के सब बेकार हो जाएगी। यही वो कानूनी उलझने हैं जनाबे वाला, जिनकी वजह से एक्सीडेंट में जख्मी हुए लोग सड़कों पर पड़े रह जाते हैं। लोग जख्मी के लिए अपनी गाड़ी रोकने से डरते हैं, उनकी मदद करना तो दरकिनार, जख्मी के मुंह में दो बूंद पानी डालने से भी कतराते हैं। और अगर कोई नेक इंसान किसी जख्मी को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचा भी देता है तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स नजर चुराते हैं। कानूनी उलझनों में गिरफ्तार होने के डर से वो उसका इलाज करते घबराते हैं, क्योंकि दवा की खुराक दिए जाने से पहले कानून अपने रजिस्ट्रों की खानापूरी मांगता है, और जब तक स्याही से रिपोर्ट दर्ज की जाती है जख्मी के बदन की लाल स्याही खत्म हो जाती है और वो स्याह पड़ जाता है। ये डॉक्टर, ये इंसान जो एक मुल्जिम की हैसियत से यहां खड़ा है, इसने एक गलती की। इसने एक परेशान औरत के इशारे पर ना ही सिर्फ अपनी गाड़ी रोकी बल्कि अपनी विसात और समझबूझ के मुताबिक एक जख्मी की मदद करने की हिमाकत भी की। इसका यह फैसला कानून की नजर में गलत और गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन जनाबे वाला, कानून के अलावा एक जज्बा इंसानियत का भी है। अगर इंसानी जज्बे को ध्यान में रखकर परखा जाए तो इसका यह फैसला जरूरी नहीं सही भी था, बल्कि इससे ज्यादा काबिले तारीफ भी। चाहिए तो हमें यह था कि हम इस इंसान को माला पहनाते, इसके सीने पर मेडल सजाते, लेकिन इसके बजाय इस भरी अदालत में हमने इसे सर फिरा, गैर जिम्मेदार, जिद्दी और कातिल के नाम से पुकारा है। जनाबे वाला, इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने सिले या फीस की परवाह नहीं करते हुए एक डॉक्टर का फर्ज पूरा किया है, एक अच्छे हिंदुस्तानी और इंसानियत का सबूत दिया है। और जनाबे वाला, इंसानियत को तो हर बार हर मुल्क में फांसी पर चढ़ा दिया गया है या गोली मार दी गई है। इसे भी इसकी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। छीन लीजिए इसकी डिग्री, जेल भिजवा दीजिए इसे, फांसी पर चढ़ा दीजिए, ताकि आइंदा कोई भी डॉक्टर एक्सीडेंट की हालत में किसी जख्मी की जान बचाने की हिमाकत ना कर रहे। रहमान, ठीक तो? एक्सक्यूज मी जनाब अली। आनंद, ये तुमसे तुम्हारी डिग्री छीन लें, फिक्र नहीं, ये तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दें, परवाह नहीं। लेकिन आनंद, तुम इन्हें अपना वो जज्बा छीनने नहीं देना, कभी नहीं छीनने देना जिसकी वजह से तुमने मौत से लड़ते हुए किसी इंसान की जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि यही तो इंसानी जिंदगी का मकसद है। रानी साहिबा, आपके गम का एहसास है मुझे। रानी साहिबा,
आपका कहना है कि डॉक्टर आनंद ने आपके पति का खून कर दिया, लेकिन जरा सोचिए रानी साहिबा, आपके पति से उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, वो तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा था। लेकिन आप क्या कर रही हैं, खून का बदला खून मांग रही हैं? आप कोई कातिल तो नहीं है, आप तो एक इंसान हैं, फिर ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? योर ऑनर, डॉक्टर रहमान की तकरीर एक इंतहाई जज्बाती तकरीर है, लेकिन वो जुर्म जिसे खून से लिखा गया उसे जज्बात के आंसुओं से नहीं धोया जा सकता। योर ऑनर, मुझे अब आंसू भरी आंखों से सब कुछ बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं अपना मुकदमा वापस लेती हूं, इन्हें माफ कर दीजिए। केस डिसमिस। थैंक यू रानी साहिबा। डैडी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? हमने इलाज को बिजनेस बना लिया है, अस्पतालों के नाम पर आलिशान बिजनेस हाउसेस खुल गए हैं जो डॉक्टरों के पवित्र पेशे का मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मजाक नहीं, मेडिसिन इज अवर बिजनेस। इसलिए मैंने ये महसूस किया है डैडी, मेरी जरूरत यहां से ज्यादा गांव के उस छोटे से अस्पताल को है जिसे आप अस्तबल कहते हैं। ऐसे देख रहा हूं तुमको उस पागल डॉक्टर रहमान की हवा लग गई है। जिस शख्स को आप पागल होने का ताना दे रहे हैं, मैंने उससे ज्यादा समझदार आदमी कोई नहीं देखा। उसका नाम बैंक के बड़े बड़े खातों में तो नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर लिखा हुआ है जो कभी नहीं मिट सकता। डॉक्टर क्या होता है ये मैंने उसी पागल बूढ़े से सीखा है, इसलिए उसके बताए रास्ते पर चलने के लिए मैं गांव जा रहा हूं। गांव जा रहे हो? तुम भी रहमान की तरह पागल हो गए हो, वो भी कोई जिंदगी है? इस जिंदगी से बेहतर है डैडी जो आपने मेरे लिए सोची है। आई सी। सुना आनंद, तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो मेरी दौलत, मेरा कारोबार और मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। मैं जानता हूं डैडी, लेकिन मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। तो जाओ यहां से, लेकिन जब जूतियां चटका के वापस लौटोगे तो याद रखना इस घर में घुसने की तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। मैं वापस नहीं लौटूंगा और मैं भी तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। डॉक्टर रहमान, गांव में स्कूल खोलकर सरकार ने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब। हाँ चौधरी साहब, इस गांव को स्कूल की बहुत जरूरत थी। आ गए, आ गए। क्या है? आनंद बाबू, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, आनंद बाबू आ गए। आनंद आ गया? आनंद शहर से वापस आ गया? कहाँ है वो? वो दवा खाने की तरफ आ रहे हैं। आनंद आ रहा है? चलो। अरे आओ, आओ। अरे पंडित जी, आओ। आनंद शहर से वापस आ गया है। आनंद शहर से वापस आ गया है। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में नौकरी मिलेगी मुझे? डॉक्टर बाबू, झाड़ू वाड़ू लगा दूं? नहीं नहीं, रहने दो, घर तो बिल्कुल साफ है। देखो सोनी, मुझे बहुत काम है, अब तुम जाओ यहाँ से, हैं? कोई मैले कपड़े हो तो दे दो, धो दूँ। अभी अभी तो आया हूँ, कपड़े मैले कहाँ से आएंगे? तुम जाओ, हाँ? कोई बटन वटन टूटा हो तो डाक दूँ? नहीं नहीं नहीं, देखो कोई बटन नहीं टूटा, सारे के सारे सही सलामत हैं, जब टूट जाएगा ना तो तुम्हें बता दूंगा। अब जाओ प्लीज।
बाबू थके मांदे आए हो, सर में तेल लगाकर मालिश कर दो। अपने सर में तेल लगाओ अपने घर जाकर। ओफो, कोई तो काम बताओ ना बाबू। बताऊं? हाँ। बस एक काम है, तुम यहाँ से 9:02:11 हो जाओ। मतलब कि मैं चली जाऊं? मतलब तुम चली जाओ। ठीक है, चली जाती हूँ। अच्छी तरह से सोच लो बाबू। तुम्हारे यहाँ होते मैं कुछ नहीं सोच सकता। तो मैं जाऊं? कौन सी जबान समझती हो तुम? घंटे भर से कह रहा हूँ चली जाओ चली जाओ, प्लीज चली जाओ। मैं सचमुच चली जाऊं? चली जाओ। मैं तो जा ही रही थी। एक बात बोलो बाबू। क्या है? तो किसी बेटी पर बहुत पते की है। तुम गुस्से में बहुत चिकने लगते हो। ऊपर वाले, अरे दुनिया की हर झील पानी की बना दी। अरे एक झील दारू की भी बनाई होती, अरे तो हम दारू पीने वाले उसमें तैरते भी, डुबकियां भी लगाते, बुडुक 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 बुडुक। अरे सोनी, अरे सोनी, सोनी मेरी मनमोहनी। अरे नथुलाल जी। जी कहाँ से आ रही सोनी? हाँ, भगवान के घर गई थी। हमारे गांव में तो भगवान नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अरे आदमी नहीं रे बुद्धू। बुद्धू तेरे मुझे कितना अच्छा लगता है। बुद्धू एक बार फिर से कहने। बुद्धू 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 बुद्धू। अच्छा तो सुन। सुना? मैं भगवान के घर गई थी। अच्छा। सोचा उनके घर में झाड़ू वाड़ू लगा दूं, कुछ उनकी सेवा कर दूं। तो कराई सेवा तू? क्या खा कराई? नहीं रे, चानस नहीं देता है, पत्थर है। अरे तो पत्थर को भोग लगाकर मोम बना दे। ये तूने ठीक कहा रे। ठीक कहा ना? तो देख, जब पत्थर मोम बन जाए तो उससे कहना भगवान से कि मेरी किस्मत में और ये नस की किस्मत में सोनी है कि नहीं। सोनी चली गई? अरे मैं बेहाल हो गया। देख तेरे आशिक का क्या हाल हो गया। मैं डोल रहा हूँ कि आसमान डोल रहा है? नहीं, मैं ही डोल रहा हूँ, मैं ही डोल रहा हूँ। अरे बाबू बाबू बाबू, मेरे होते हुए तुम्हें खाना पकाने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे खाना नहीं पकाऊंगा तो खाऊंगा कहाँ से? मैं जो लाई हूँ अपने हाथों से पका कर। क्या लेकर आई हो? सब कुछ तो है, खा के तो देखो। मैं जरा हाथ धो कर आता। अरे हाथ धोने की क्या जरूरत है? मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी ना। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद भी खा सकता हूँ। लगते तो नहीं हो, लेकिन हो सकते हो। क्या क्या हो सकते हो? बच्चा। देखो सोनी जी, मैं कोई इतना अनाड़ी नहीं हूँ। तुम्हारी इन तमाम बातों का मतलब मैं खूब समझता हूँ। समझते हो? मगर तुम्हारी मक्खनबाजी यहाँ सब बेकार है। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। अरे सभी दालें कभी न कभी गल जाती हैं बाबू, कुछ जल्दी कुछ देर से। मेरी दाल भी कभी न कभी गल जाएगी। वैसे भी आधा काम तो हो ही गया ना बाबू। कौन सा काम? देखो, तुम्हारी और मेरी शादी का जो प्रॉब्लम है ना, सो मैं तो राजी हूँ, और अगर दोनों में से एक राजी हो तो आधा काम तो हो ही गया ना। और तुम भी कब तक नहीं मानोगे? एक न एक दिन तो पिघल ही जाओगे ना धर्म से। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आग की गर्मी से लोहा पिघल सकता है तो प्यार की गर्मी से तुम नहीं पकड़ सकते। नहीं, नहीं। तुम क्या कहते हो उसे? ढीठ। हाँ बहुत ढीठ हो। हाँ वो तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ बाबू। एक बात बोलूँ, तुम हो बड़े बदनसीब, कुंवारेपन की जिंदगी गुजार रहे हो। अरे बाबू, शादी में बड़े फायदे हैं। हाँ अगर तुम मान जाओ ना तो तुम्हारा हर दिन ईद और हर रात दिवाली बन जाएगी धर्म से। तुम किस मिट्टी की बनी हो? हिंदुस्तानी मिट्टी की बनी हूँ।
अपनी शादी की बात तुम भूले नहीं हो? लगता है खाने में कुछ जादू मंत्र करवा के लाई। अरे सोनी, वो भगवान को भोग लगा दिया? हाँ नथुलाल। क्या बोला वो भगवान? अरे बोलेगा क्या, ऊपर से तो पत्थर का था ही, अंदर से भी पत्थर का निकला। अरे तो छोड़ उसको, अरे मुझको भोग लगा, मैं ऊपर से भी नरम हूँ अंदर से भी नरम हूँ। सोनी, मेरी ये सोने की नथ पहन ले, मैं चांदी के रथ पे बिठा के तुझे चांद की सैर कराऊंगा। अरे नथुलाल, तू तो कितना भोला है रे, तू तो कितना अच्छा है। पर एक बात बता, तो ये दिन रात दारू क्यों पीता है? सोनी, इसके पीने के बाद मैं दुख भूल जाता हूँ। हाँ, दारू पीने से इंसान दुख भूल जाता है? हाँ सोनी, तू पी के देख, ये नारंगी का अमल है। मैं ना 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 ना, ना। तू आज पी, मैं फिर कभी पीऊंगी। अच्छा, अरे सोनी ने मुझे प्यार किया, यानी कि मुझे स्वीकार किया। बाबू, अरे तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है बाबू, मगर क्या करूं, हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहता है। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि ध्यान हटा दूं, लेकिन घूम फिर कर यही आकर अटक जाता है। तो मैं क्या करूं? एक आइडिया है। आइडिया नहीं, आइडिया। हाँ वही तो। क्या 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 आइडिया? शादी कर लो मुझसे। मेरा मतलब है, जब तक तुम्हें कोई अपनी मनपसंद की लड़की नहीं मिल जाती, तब तक के लिए कर लो ना। देखो सोनी, मान गए, मैं पंडित को बुला कर लाती हूँ। सोनी जी, मैं इस वक्त एक मरीज के इलाज के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझ पर मेहरबानी करो और यहाँ से चली जाओ। मुझे यहीं खड़ी रहने दो ना बाबू, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? धर्म से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ चुपचाप खड़ी रहूंगी। देखो सोनी, तुम यहाँ खड़ी रहोगी और गोल गोल आंखों से मुझे घूरती रहोगी। अगर खड़ी रहना है तो बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। ये यहाँ बाबू? नहीं 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 नहीं, इधर नहीं, बाहर, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर। और जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं, वहीं चुपचाप खड़ी रहना, समझी? समझ गई। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? इस बाहर बारिश में क्यों खड़ी थी? तुम्हें तो कहा था ना बाबू। क्या 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 कहा था मैंने? तुमने कहा था जब तक मैं तुम्हें आवाज न दूं, तुम बाहर चुपचाप खड़ी रहना। तुमने आवाज नहीं दी तो मैं बाहर चुपचाप खड़ी रही। मेरा ये मतलब तो नहीं था सोनी। तो फिर अगर अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कुएं में जाके कूद जाओ, तो तुम क्या कुएं में जाके कूद जाओगी? धर्म से आजमा के देख लो बाबू। देख सोनी, तेरा मेरा मेल कभी नहीं हो सकता, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, फिर इन सब बातों से क्या फायदा? फायदा नुकसान तो कारोबार में होता है बाबू, मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। प्यार के जिस रास्ते पे तुम चल रही हो सोनी,
उसकी कोई मंजिल नहीं है। जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते ना, ना सही। मुझे सिर्फ इतना हक दे दो बाबू कि मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करती रहूं। इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? आज कुछ ज्यादा ही असली माल दिख रहा है, लगता है मद्रास के संतरों का है। अरे सोनी, ये कैसी अनहोनी! मत पी, इतनी चढ़ जाएगी। पियूंगी और पियूंगी। अरे मत पी, अरे ये दूध नहीं है, दारू है सोनी, दारू है। अरे क्या हुआ तुझे, क्यों पी रही है? नत्थूलाल जी, तूने कहा था ना क्या? कि दारू पीने से तू अपना दुख भूल जाता है। भूल जाता हूँ। कहा था ना? कहा था। मैं भी अपना दुख भूलना चाहती हूँ। तुझे क्या दुख है? मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई। तेरी गाड़ी पटरी से गाड़ी उतर गई? ये कैसे हुआ? वो जो अपने बड़े डॉक्टर है ना, है वो, मैंने उनसे कहा था। कहा था तूने? मुझे तुम्हारे छोटे डॉक्टर कुछ गड़बड़ लगते हैं। तो कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अगर ऐसी कोई बात नहीं तो वो मुझसे शादी क्यों नहीं करते? तो नहीं करते। नहीं करता तो ना करे। नहीं नत्थूलाल जी, मुझे कुछ बात गड़बड़ लगती है। नहीं नहीं लगती नहीं, लगता है। लगता ही है? हाँ। सोनी, दरअसल बात ये है कि इस गांव के डॉक्टरों की तकदीर में शादी लिखी नहीं है। देखना, वो जो बड़ा डॉक्टर है उसने शादी नहीं की, छोटा डॉक्टर भी शादी नहीं करेगा। इसीलिए तो मैं डॉक्टर नहीं बना। तू एक काम कर सोनी, तू मुझसे शादी कर ले, फिर ब्रांडी पी के ब्रांडी में लंबे लंबे लेटेंगे और फिर अंग्रेजी में हनीमून मनाएंगे। नत्थूलाल जी। हाँ सोनी। वो जो अपने छोटे डॉक्टर है ना, छोटे डॉक्टर है ना? अरे हाँ है, मगर न जाने क्यों है। वो है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ? मेरी गाड़ी पटली से उछल गई। उछल गई? अरे ठहर, तू एक काम कर, ये नत्थूलाल की नस पहले गाड़ी पट्टी पे आ जाएगी। अरे ये खाने की नहीं है, पहनने की है। मैं क्या करूँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो तू ये चनी खा ले, ले चनी खा ले और ये नथ पहन ले। और चाहिए? प्याज भी लगी है। अरे नथ पहन ले, नथ पहन ले जल्दी। मेरी गाड़ी पटली से उछल गई है। मार पटरी को गोली। तू मेरी बैलगाड़ी में बैठ जा और नथ पहन ले। नहीं, मुझको रेलगाड़ी चाहिए। बैलगाड़ी में बैठ जा। रेलगाड़ी? बैलगाड़ी? रेलगाड़ी? बैलगाड़ी? रेलगाड़ी? रेलगाड़ी? बैलगाड़ी? रेलगाड़ी? सोनी, तू प्रेम गाड़ी में बैठकर मोहब्बत के जंक्शन पर आ जा और नत्थूलाल की नथ पहन ले। तो क्या होगा? जलवा होगा मोहब्बत का, हलवा खाएंगे। पहले पहले लोग प्यार होगी जीत, सजाओ बाल की, नथ पहन के सोनी हो गई नत्थूलाल की। ये पार बिल्ली बिल्ली, अरे अब जाना पड़ेगा दिल्ली। सोनी की
डॉक्टर जी आप सुन सोनी, इसमें हैरत की क्या बात है? किसी शरीफ आदमी ने आज तक ये दरवाजा नहीं खटखटाया डॉक्टर जी। इज्जत वाले तो इस गली से गुजरते हुए भी डरते हैं। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। अरे सनी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। क्या एक बाप को अपने बेटी के घर आने का हक नहीं है? क्यों नहीं बाबा, आप ही का घर है। आइए अंदर आइए, आइए। ये सब क्या है? इतने सारे कपड़े तू पहनती है सोनी? नहीं बाबा, मैंने पहनती नहीं, मैंने बेचती हूँ। रोजी रोटी कमाने का यही तो एक सहारा है। गांव के इन कपड़ों की शहर में बहुत मांग है। हाँ, इन्हें बेचने के लिए सोनी शहर जाती है और नोट कमा कर लाती है। और ये गांव वाले तेरे बारे में जो कहते हैं वो सब? वो झूठ है बाबा, वो झूठ है। तुम्हारी बेटी अपना शरीर नहीं, अपनी मेहनत बेचकर अपना पेट पालती है। भगवान गवाह है, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। तो फिर इस बदनामी को क्यों अपना लिया तूने? बुराई का ये धब्बा क्यों अपने चेहरे पे लगा लिया? अपनी इज्जत बचाने के लिए। एक बेसहारा लड़की इस दुनिया में अकेली नहीं जी सकती बाबा। बदनामी की चादर न ओढ़ती तो कब की लुट चुकी होती। लोग मेरी बुराई से डरते हैं बाबा और मुझसे दूर भागते हैं। अब तुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं गांव वालों को तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। कोई नहीं मानेगा बाबा। तुम मेरी एक सफाई पेश करोगे तो वो 10 कहानियां बना लेंगे। मगर क्यों? वो मेरी बुराई सुनना चाहते हैं। झूठे इल्जाम और रंगीन कहानियां बनाकर उन्हें खुशी मिलती है। मगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगा तो वो इसी तरह तुझे जलील करते रहेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं क्या हूँ वो अब तुम भी जानते हो बाबा, और मेरे भगवान भी जानते हैं। देख सोनी, सोनी बेटे, तू एक औरत है, एक दिन तेरी शादी होनी है। इस रूप में तुझे कौन अपनाएगा? जब कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो उसकी सारी बुराइयों के साथ अपनाता है, तुम्हारी तरह बाबा। मुझे जो भी अपनाएगा इसी हाल में अपनाएगा, मेरी सारी बदनामियों के साथ। यही मेरी जिद है। तू बहुत हिम्मत वाली है सोनी। तो फिर गांव वालों को कुछ भी बताकर मेरी हिम्मत मत तोड़ना बाबा। अब इसी तरह जीने में मुझे चैन आने लगा है बाबा। वादा करो आप किसी को कुछ नहीं बताओगे, ये राज राजी रखोगे। वादा करो बाबा। ठीक है सोनी, अगर तू यही चाहती है ना तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। क्या कहा? सोनी छोटे डॉक्टर पर फिदा है? जी हजूर। हम उस डाल को ही काट देंगे जिस पर वो आशियाना बनाना चाहती है। आप ठीक कह रहे हैं माई बाप, वो मस्टंडे कब काम आएंगे आपके। लगा दीजिए छोटे डॉक्टर को ठिकाने। सोनी सोनी, क्या बात है? सोनी, जागीरदार के आदमी आनंद बाबू को मारने के लिए आ रहे हैं। क्या कह रहा है तू? हाँ मैं सच कह रहा हूँ सोनी, मैं खुद अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ। उनकी ये हिम्मत, ले पकड़। चल।
डॉक्टर साहब, मैंने सोनी का बयान ले लिया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं इस केस की पूरी जांच करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये इंस्पेक्टर क्यों आया था? वो सोनी की लड़ाई हो गई थी ना। अजीब लड़की है ये भी डॉक्टर साहब, इतनी बार इसे समझाया लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, जब देखो झगड़ा जब देखो लड़ाई। हाँ, दरअसल ये लड़ाई तो उसने तुम्हारी खातिर की थी। मेरी खातिर? जब उसे पता चला कि जागीरदार के गुंडे तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं तो तुम्हारी जान बचाने की खातिर वो अपनी जान पे खेल गई। ये तुमने क्या किया सुनो? क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता तो बस। मैंने तुम्हारे प्यार के रास्ते में बहुत सी दीवारें खड़ी कर दी थी, लेकिन आज तुमने उस हर दीवार को गिरा दिया है। तुम्हें बदनामी की जिंदगी से निकलने के लिए सहारा चाहिए था ना? मैं दूंगा तुम्हें सहारा, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारे प्यार की जीत होगी सोनी, बस तुम अच्छी हो जाओ। मुझे रहना है तेरे दिल में, मुझे रहना है तेरे दिल में, किराया बोल क्या लेगी, किराया बोल क्या लेगी। बदले में क्या देगी, मैं दिल तो तुझे दे दूंगा, तू बदले में क्या देगी। मेरी भरी जवानी सजना, मेरी भरी जवानी सजना, तेरे नाम लिख दूंगी।
चढ़ जाएगा, हाय नशा मुझे सौ बोतल का, टूटसी तो चढ़ जाएगा, हाय नशा मुझे सौ बोतल का। इसे पकड़े रख, दो दिन बाद फिर आना, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ मांगना है। मांगो मांगो जी। नहीं ठहरो, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो मुझसे पैसे मत मांगना, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। दूसरा मुझसे कपड़े मत मांगना, क्योंकि एक यही सूट है मेरे पास। इसके अलावा कुछ भी मांग सकते, मांगो मांगो। वो सोनी है ना? सोनी? हाँ है जी, मैं उसका रिश्ता मांगना चाहता हूँ। तुम सोनी से शादी करोगे? सोच लो आनंद, वो इस गांव की सबसे बदनाम लड़की है। मैं जानता हूं सर। लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है सर। मर्द बच्चा है, गुड बॉय। तो फिर सुन लो, सोनी से शादी करके तुम्हें जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा, माय गारंटी। अरे अनंत, अनंत क्या हुआ? वो कुछ चक्कर सा आ गया सर। चक्कर? आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। तुम पेड़ की छांव में आराम करो, मैं अभी आता हूं। जाओ। आओ डॉक्टर साहब। ठीक। डॉक्टर साहब, आनंद बाबू बेहोश हो गए। आनंद बाबू, आनंद बाबू, आनंद बाबू, आनंद बाबू। क्या हो गया आनंद? आनंद तो आप सब डॉक्टर्स की यही राय है? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर्स। हेलो यंग मैन, हेलो, यू लुकिंग वेरी वेल, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये कुछ फल और फूल तुम्हारे लिए लाया हूं, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत हो तो बंदा तुम्हारी खिदमत में है, लाओ मैं रख देता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बुरी खबर लाए डॉक्टर साहब? बुरी खबर? ये तुम कैसे समझे? आप कुछ जरूरत से ज्यादा खुश नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खतरनाक बीमारी है मुझे। ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ द ब्रेन। मुझे भी यही शक था। लेकिन ये केस होपलेस नहीं है, इसका इलाज हो सकता है ऑपरेशन के जरिए, और ये ऑपरेशन तुम्हारे डैडी चुटकियों में कर सकते हैं। मेरे डैडी मरीजों का नहीं, दौलत से भरी थैलियों का ऑपरेशन करते हैं, और मेरे पास इतने पैसे कहां? कैसे बच्चों जैसी बात करते हो? आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, ये ऑपरेशन तो वो खुद कर सकते हैं, या ऑपरेशन के लिए वो खुद तुम्हें इंग्लैंड या अमेरिका ले जा सकते हैं। आखिर तुम्हारा लखपति बाप किस दिन काम आएगा? मैं अभी जाकर बात करता हूं। नहीं डॉक्टर साहब, आप डैडी को मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ये मेरा फैसला है। आनंद, अपने घर वापस चले जाओ, इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें अपने डैडी की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, चलिए गांव वापस चलते हैं। जिद ना करो आनंद, यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। नहीं डॉक्टर साहब, जो जिंदगी मुझे डैडी के पैसों से मिले वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन सोने को तो चाहिए, उसके लिए क्या सोचा तुमने? जी हाँ,
सोचा है मैंने, सोनी से किया वादा मैं पूरा तो नहीं कर सकता, इसलिए उसके और मेरे बीच एक दीवार खड़ी कर दूंगा, उसी की खातिर उसे अपने आप से दूर कर दूंगा। बाबू तुम आ गए? अभी खबर लेती हूँ, मुझसे पूछे बगैर तुम क्यों चले गए थे? हाँ, और इतने देर शहर में क्यों लगा दिए? क्या हर काम तुझसे पूछे करना होगा मुझे? हाँ, इसलिए कि तुम्हारे बगैर जीने लगता है, यूं लगता है जैसे कई सालों बाद लौटे हो। ठीक है, अब तू जा। अरे क्या बात है बाबू, आज तुम बहुत बदले बदले नजर आ रहे हो। शहर में और कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? लड़ाई हो जाएगी धर्म से। हाँ, फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आज तुम्हें क्या हो गया बाबू, ये आज तुम इतनी कड़वी कड़वी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, उस दिन तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दे सोनी, निकल जा मेरी जिंदगी से। लेकिन लेकिन मेरा कसूर क्या है बाबू? तेरा कसूर, तेरा कसूर यह है कि तू एक घटिया और नीच औरत है। गलती मेरी थी जो मैंने तुझ जैसी औरत को अपने मुंह लगाया। हमदर्दी के दो बोल क्या बोल दिए मैंने कि तू मेरे गले ही पड़ गई? आसमान पर उड़ने से पहले कभी अपनी औकात देखी है तूने? तेरे जैसी लड़कियां तो हमारे घर की नौकरानियां तक नहीं बन सकती, और तू उस घर की बहू बनने के ख्वाब देखने लगी। तेरी असलियत क्या है? दो टके पे बिकने वाली बदचलन और आवारा औरत जो शराफत के नाम पे एक काली है। सर, डॉक्टर रहमान का गांव से तारा है सर। किसका? डॉक्टर रहमान का। कचरे के डब्बे में फेंकना। लेकिन सर, ये टेलीग्राम आपके बेटे आनंद के बारे में। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम जानते हो डॉक्टर रहमान और मेरे बेटे से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैंने तुमसे कहा इस टेलीग्राम को कचरे के डब्बे में फेंक दो। कब तक रोती रहेगी? मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था डॉक्टर जी, सिर्फ प्यार करने का हक मांगा था। पहले तो मेरी आस बंद आई, फिर ऐसी बेदर्दी से मुझे ठुकरा दिया। नहीं, तू उसे गलत समझ रही है, वो कसूरवार नहीं है। तुम भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? अब मैं उसकी मजबूरी कैसे बताऊं? तू नहीं समझेगी। डॉक्टर जी, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बताओ ना क्या बात है। तुम्हें मेरी कसम है, हाँ, सोनी से कुछ मत छुपाना। सोनी, आनंद की जान को खतरा है। खतरा? अरे सोनी के होते हुए किसी की हिम्मत है जो डॉक्टर बाबू पर आंख उठाते हुए देखे? हड्डी पसली एक न कर दो तो मेरा नाम भी सोनी नहीं है। सोनी बोले ना डॉक्टर जी, कौन है वो, जागीरदार या कोई और? सोनी तू मेरी फिक्र न करो डॉक्टर जी, मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अगर मेरी जिंदगी डॉक्टर बाबू के काम आ जाए तो मैं समझूंगी सोनी की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। सोनी तू गलत समझ रही है, दरअसल आनंद को एक खतरनाक बीमारी हो गई है। अरे तुम्हारे होते बीमारी की क्या परवाह? हाँ, तुम्हारे सामने कोई बीमारी टिक सकती है भला? उसका इलाज कर दो ना डॉक्टर जी। अरे पगली, उसके इलाज के लिए मेरे इल्म की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है। उसका ऑपरेशन करना होगा जो यहाँ गांव में नहीं हो सकता, इंग्लैंड या अमेरिका में हो सकता है, जिसके लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए डॉक्टर जी? इतने पैसे जो तेरे और मेरे बस में नहीं है। 1,00,000 रुपया चाहिए। क्या 1,00,000 रुपए? मैंने तुझे बहुत समझाया कि अपने अमीर बाप के पास चला जा, लेकिन वो मानता ही नहीं। अगर इतने पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर आनंद की जिंदगी का चिराग कभी भी बुझ सकता है। सोनी, तुम यहां? अरे आज हमारे नसीब कैसे जाग उठे?
आओ आओ जाने मन। तुम्हें सोनी को अपनी हवेली बुलाने का बड़ा शौक था ना जागीरदार, अपनी हसरत पूरी कर लो। आज सोनी खुद चलकर तुम्हारे पास बिकने के लिए आई है। अच्छा, मगर इस तब्दीली की वजह? तुम नहीं समझोगे, इसलिए कि तुम सिर्फ खरीदना जानते हो। खरीदना बहुत आसान है जागीरदार, बिकना बहुत मुश्किल। कीमत लगाओ जागीरदार, आज मुझे अपने प्यार का नजराना देना है। 10,000? नहीं। 20,000? नहीं। 50,000? बस, अपने अरमानों की इतनी कम कीमत? तो मांग फिर क्या मांगती है? 1,00,000 रुपया। 1,00,000? हाँ, 1,00,000। बहुत बड़ी कीमत लगाई है तूने अपनी सोनी। ये तो उसके कदमों की खाक की कीमत भी नहीं है जागीरदार, जिसके लिए मैं सौदा कर रही हूं। 1,00,000 रुपए का नाम सुनकर पसीने क्यों आ गए तुम्हें? तुम तो मेरे कदमों पर दुनिया की सारी दौलत लगाने को तैयार थे। सौदा अगर मंजूर हो तो बोलो जागीरदार, सोनी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी गुनाह करने आई है। झूठ बोलती है तू, क्या सबूत है तेरे पास अपनी पाकीज़गी का? और तेरे पास क्या सबूत है मेरे गुनाहों का? वाह, क्या खूब इंसाफ है तुम मर्दों का, अपने गुनाहों का हिसाब नहीं देते मगर औरत से उसकी बेगुनाही का सबूत मांगते हैं। तू इस हाथ 1,00,000 रुपए रख जागीरदार, मेरे बेगुनाह होने का सबूत तुझे अपने आप मिल जाएगा। मंजूर है, मुझे 1,00,000 रुपया भी मंजूर है, मगर इस खुशी में यहाँ एक जश्न होगा जिसमें तुम नाचोगी सोनी अपनी पूरी सज-धज के साथ। नथुलाल। सोनी, ये तूने कैसा सौदा कर डाला सोनी? आनंद बाबू की जिंदगी के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। सुन, ये रुपए बड़े डॉक्टर जी को दे देना, मगर उन्हें कुछ मत बताना, समझ गए? हाँ। एम्बुलेंस रेडी है? चलो बैठ जाओ जल्दी से, गांव बहुत दूर है, न जाने आनंद की तबीयत कैसी है। चलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या बात है नथुलाल? ये लीजिए। ये क्या है नथुलाल? सोनी ने भेजा है 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया? हाँ। सोनी ने भेजा है? हाँ। वो कहां से लाए इतना रुपया? मुझे नहीं मालूम, उसने कहा डॉक्टर साहब को दे देना आनंद बाबू के इलाज के लिए। सोनी कहां है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम मुझे। तू झूठ बोलता है। मैं जा रहा हूं। खड़ो नथुलाल, बताओ सोनी कहां है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? कह दिया ना, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बताओ कहां है सोनी? जरूर सोनी ने ऐसा कोई गलत काम किया है जिसे तुम छुपा रहे हो मुझसे। अगर किसी की जिंदगी बचाना तो गलत काम है, तो हाँ सोनी ने जरूर गलत काम किया है डॉक्टर साहब। अगर अपने प्यार पर कुर्बान हो जाना गलत काम है तो सोनी ने जरूर गलत काम किया है डॉक्टर साहब। आप जानते हैं सोनी ने क्या किया? सोनी ने जागीरदार के हाथों अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया डॉक्टर साहब। अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया मेरे प्यार की जीत हो जाने दो, आज मेरे प्यार की जीत हो जाने दो। यार में मुझे कुर्बान हो जाने दो, आज मेरे प्यार की
चौधरी साहब, सारे गांव वाले, खैरियत तो है। सोनी, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। अरे अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी उम्र सोनी को ले जाने की थोड़ी है। सोनी अब हमारी बांह के सिवाय कहीं नहीं जाएगी। ठाकुर साहब, सोनी मेरी बेटी है, सारे गांव की बेटी है, और हमारे होते हुए सोनी की इज्जत पर कभी आंच नहीं आ सकती। सोनी की इज्जत? डॉक्टर साहब, यहाँ सोनी की इज्जत कोई नहीं लूट रहा। हमने सोनी की इज्जत बड़ी इज्जत से मुंह मांगी कीमत देकर खरीदी है। ठाकुर साहब, सोनी कोई गाजर मूली नहीं है जिसे आप कीमत देकर खरीद लें। सोनी इंसान है और इंसान बिका नहीं करते। इंसान तो सदियों से बिकते आ रहे हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ कीमत अलग अलग होती है। और सोनी को तो हमने मुंह मांगी कीमत देकर उसकी मर्जी से, उसकी खुशी से खरीदा है। सोनी, बताओ ना गांव वालों को, खास करके डॉक्टर साहब को। हाँ डॉक्टर जी, मौलवी साहब, चौधरी साहब, आप सब तो जानते ही हैं, बिकना तो मेरा धंधा है। हम तुझे बिकने नहीं देंगे। ठाकुर, ये रहा तेरा 1,00,000 रुपया, ये ले। जल्दी आओ। बाबा, तुम्हें तुम्हारे अल्लाह पाक की कसम है, ये रुपए ले लो और आनंद बाबू का इलाज कराओ। जाओ बाबा, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं सोनी, जिस अल्लाह पाक की कसम दिला रही है ना तू, अब वो ही आनंद की जान बचाएगा। बुराई से कमाए हुए ठाकुर के इन पैसों को आनंद कभी कबूल नहीं करेगा, वो अपना इलाज नहीं करवाएगा। सुन सुनिए, अब तू सारे गांव की बेटी है, हमारी इज्जत है। हाँ सुनिए, डॉक्टर साहब ने हमें सब कुछ बता दिया। अब इन सब बातों से क्या फायदा बाबा? आनंद बाबू की जिंदगी के आगे मेरा ये शरीर कोई कीमत नहीं रखता बाबा।
मान जाओ बाबा, भगवान के लिए मान जाओ। सोनी, आनंद बाबू की जिंदगी बचाने के लिए हम अपना घर बार बेच देंगे, खेती बाड़ी बेच देंगे, लेकिन गांव की एक बेटी को नहीं बेचने देंगे। बाबा, रुक जाओ वरना एक एक को भून कर रख दूंगा। डॉक्टर, इन सबको लेके फौरन यहां से निकल जाओ, वरना 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 इस चिराग की तरह तुम सबकी जिंदगी के चिराग गुल कर दूंगा। तो ठीक है ठाकुर, सबसे पहले गोली मुझ पर चलाओ। नहीं बाबा नहीं, रुक जाओ, नहीं। तू अपनी मौत को पुकार रहा है डॉक्टर? मैंने अपनी जिंदगी जी ली ठाकुर, अगर मैं अपनी बेटी के लिए मरूंगा तो ये सैकड़ों सीने तेरे सामने तन जाएंगे, और तेरे पास इतनी गोलियां नहीं है कि तू इन सबको मौत की गोद सुला दे। चला गोली, हम अपनी जान दे देंगे ठाकुर, लेकिन सोनी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। तुम भी पागल हो गए चौधरी, इस दो टके पर बिकने वाली छोकरी के लिए गांव वालों को यहाँ लेकर मरने चले आए हो? जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। किसे तू ये दो टके पर बिकने वाली छोकरी कहता है ठाकुर? वो कितनी नेक है, कितनी पाक है, तेरी शराब में डूबी हुई आंखें नहीं देख सकती। भाषण मत दे डॉक्टर, मैं कहता हूं वापस मुड़ जा। खुदा की नेक राह पर कदम बढ़ाकर एक सच्चा मुसलमान कभी वापस नहीं मुड़ता ठाकुर। अरे तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, रुक जाओ बाबा। देख तेरे नेकी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को मैं कैसे रोकता हूं। सब बंदूक फेंक दो वरना ठाकुर को भून दूंगा। फेंक दो बंदूक। रहमान, डॉक्टर रहमान, तो क्या हुआ बाबा? अच्छा हुआ तुम आ गए, मरने पर एक एक दोस्त का कंधा तो मिल जाए। मैं तुम्हें मरने दूंगा रहमान, मेरी एम्बुलेंस में ले चलो इन्हें। चलो साहब, घबराओ नहीं भाइयों, आपके डॉक्टर रहमान साहब की जिंदगी बच गई। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों की दुआओं से मैंने डॉक्टर रहमान की इतनी कीमती जिंदगी बचा ली। मुझे नहीं मालूम था कि इस छोटे से गांव में इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो अस्पताल मैं अपने बेटे के लिए शहर में बनाना चाहता था वो अस्पताल अब इस गांव में बनेगा। डॉक्टर साहब आप धन्य, भगवान आप लंबी उम्र दे। यजमान कन्या को बुलाइए। हमारी शादी है। सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। आजा। सुची।